रामपुर नाम के गांव में सेठ गिरधारी रहता था। वह धन के प्रति बहुत लालची था और बहुत ही ज़्यादा कंजूस था, और कभी भी अपने पैसों को अधिक करने के लिए वह दूसरे को ठगने की कोशिश करता रहता था। उसी गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। वह खेती करके अपना जीवन यापन करता था। उसके घर में माँ के अलावा उसके कोई भी नहीं था। बिरजू खेत में काम करने के बाद वह खाना खाने के लिए दोपहर को खेत से वापिस लौट रहा था। बिरजू घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ बेहोश पड़ी हुई थी। बिरजू ने तुरंत उसकी माँ को बोला, क्या हुआ माँ, तू ऐसी कैसी लेटी हुई है? उसकी माँ की जवाब न आने के कारण बिरजू समझ गया कि उसकी माँ बेहोश हो गई है और वह बहुत ज़्यादा बीमार है। बिरजू तुरंत उसकी माँ को डॉक्टर के पास ले गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर चेकअप करने के बाद बिरजू से आकर बोलता है, अरे बिरजू भाई, तुम्हारी माँ को एक जानलेवा बीमारी हो गई है। इसके इलाज के लिए लगभग 4 लाख रुपए लगेंगे। अगर तुम्हें इलाज करवाना है तो हमारे अस्पताल में 4 लाख रुपए जमा करवा दो, वरना तुम्हारी माँ की जान शायद बचेगी। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा मत बोलिए, मेरी माँ का इलाज आप जल्द से जल्द करवाइए। मैं कल ही आपको 4 लाख रुपए का इंतजाम करके दे दूँगा, आप चिंता मत कीजिए। बेचारा बिरजू मन ही मन उदास होते हुए घर पहुँचा और वह सोचने लगा कि मुझे 4 लाख रुपए कहाँ से मिलेंगे। थोड़े समय के बाद बिरजू सेठ गिरधारी लाल के पास पहुँचा। सेठ जी, मुझे 4 लाख रुपए पैसे देने की कृपा करें। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके इलाज के लिए मुझे 4 लाख रुपए का सख्त ज़रूरत है। देख भाई बिरजू, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दे दूँगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि तुम पैसे वापस लौटाओगे? और वैसे भी 4 लाख छोटी मोटी रकम नहीं होती। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए कैसे दे दूँगा? नहीं नहीं सेठ जी, मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है जिसे मैं गिरवी रख लूँगा, और मैं आपका पैसा 6 महीने में वापस नहीं लौटा पाया, तो आप मेरे पूरे ज़मीन को ले लेना। तो ठीक है भाई बिरजू, मैं तुम्हें 4 लाख रुपए उधार दे दूँगा और तुम मेरे पैसे को 6 महीने के अंदर वापस लौटा देना, और वो भी ब्याज सहित। कुछ हफ्तों के अंदर बिरजू की माँ सही हो जाती है। बिरजू फिर से खेती बाड़ी का काम करने अपने खेत चला जाता है। बिरजू सोचता है कि 2 महीनों के अंदर में फसल पूरी तरीके से हो जाएगी। फसल को बेचकर मैं सेठ गिरधारी लाल का पैसा वापस लौटा दूंगा। कुछ महीनों के बाद सेठ गिरधारी लाल गाँव में बैठक बुलवाता है। सारे गाँव वाले उस बैठक में आते हैं। सेठ गिरधारी लाल बोलता है, देखो भाई गाँव वालों, मैं इसलिए बैठक बुलाया हूँ कि महीनों पहले बिरजू की माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी और बिरजू ने मुझसे 4 लाख रुपए उधार लिए थे, और बिरजू ने बोला था कि अगर मैं 1 महीने के अंदर में पैसा वापस नहीं लौटा पाया तो मेरी 1 एकड़ की ज़मीन मैं तुम्हारा नाम कर दूँगा और तुम्हारे घर में 6 महीने तक नौकर की काम करूँगा बिना पैसे लिए। नहीं गांव वालों, यह सरासर झूठ है। सेठ गिरधारी लाल मेरा ज़मीन हथियाने के लिए यह झूठ बोल रहा है। हाँ, मैंने 4 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन उसे मुझे 6 महीनों में वापस लौटाना था, और मैंने नौकर वाली बात नहीं की थी। मैंने बोला था कि अगर मैं आपका पैसा 6 महीनों के अंदर नहीं लौटा पाया तो मेरा ज़मीन मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा। देखो बिरजू, तुम झूठ मत बोलो। नियम के मुताबिक तुम्हारी ज़मीन मेरे नाम हुई और तुम 6 महीनों तक मेरे घर में नौकर की काम करना। बेचारा बिरजू गरीब होने के कारण कुछ नहीं कर सका। सारे गांव वाले जानते थे कि यह सेठ की करतूत है, क्योंकि कई बार सेठ ने ऐसे ही करके कई सारे गरीबों की ज़मीनें हथियाई थी। एक बार सेठ गिरधारी लाल के घर में एक साधु आते हैं। भिक्षाम देही, अरे कोई है इस घर में? इस साधु को कोई खाना खिला दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। साधु महाराज की आवाज़ सुनकर बिरजू बाहर निकलता है। अरे बालक, तुम्हारे घर में जो कुछ खाने का होगा कृपया मुझे खिला दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जी साधु महाराज, मैं आपके लिए खाने को लेकर आता हूँ। अरे रुको बिरजू, तू इस घर का नौकर है, मेरे कहे बिना तू किसी को भी खाना नहीं देगा। अरे ओ पाखंडी, तुझे मेरा ही घर मिला है क्या खाना मांगने के लिए? जो तू मेरे घर में खाना मांगने आ गया, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। चल अब यहाँ से निकल यहाँ से।
पर बालक, किसी भूखे को खाना खिलाना ये तो बहुत पुण्य का काम होता है। मैं देख पा रहा हूँ कि तेरे घर में सुख और धन की कमी नहीं है। अच्छा तो मैं क्या करूँ, तू यहाँ से जाता है या फिर तुझे धक्के मार के निकालूँ? नहीं नहीं बालक, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही चला जाता हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुँह उठाए, मेरा ही घर दिखता है इन लोगों को। कुछ समय पश्चात सेठ गिरधारी लाल अनाज बेचकर घर वापिस आ रहे थे। अरे भाई बिरजू, बहुत रात हो गई है, हम इस जंगल पर कहाँ भटकेंगे? सेठ जी देखो, सामने एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, चलो वहाँ पर चलते हैं। वह दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाने लगते हैं। झोपड़ी के अंदर जाने के बाद सेठ देखता है कि वह वही साधु थे जो उसके घर आए थे। बाबा, हम शहर से अनाज बेचकर गांव वापस आ रहे थे, हमें आते आते रात हो गया और रात को हम कहां यहां भटकेंगे, इसीलिए हम तुम्हारे झोपड़ी में यहां विश्राम करने के लिए आ गए। क्या हम यहां विश्राम कर सकते हैं? बालक, तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम तो यहां पर रुक सकते हो, लेकिन ये सेठ लोगों से छल कपट करता है, इसके लिए यहां कोई जगह नहीं, बेशक इसे कोई जंगली जानवर क्यों ना खा ले। बाबा, मैंने आपको उस दिन खाना नहीं खिलाया, इसलिए आप मुझ पर गुस्सा होना। बालक, मुझे इन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन तू जो लोगों के साथ छल कपट करके दूसरों की जमीनें हड़पता है, तो तूने ऐसा करके अपना पाप का घड़ा भर लिया है, इसीलिए तेरी यह सजा है कि तू इस कुटिया में नहीं रुक सकता है। मैं सब समझ गया बाबा, मैं आज से अब ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैंने जिसकी जिसकी जमीन भी हड़पी है, मैं उसकी जमीन वापस लौटा दूँगा। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैं आज से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा।